ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ, इसके अंतर्गत हमने कल ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांजिस्टर की जो क्रियाविधि होती है इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने इस बारे में भी देखा कि परिपथ के अनुसार ट्रांजिस्टर तीन प्रकार के होते हैं, एक तो उभयनिष्ठ आधार परिपथ और दूसरा उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ और तीसरा उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ, जिसमें से हमने दो के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और एक जो है उसे आप उच्च कक्षाओं में उसका अध्ययन करेंगे। तो उभयनिष्ठ जो आधार परिपथ होता है उसमें ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन किस प्रकार से कार्य करते हैं इसके बारे में हमने देखा। उसी तरीके से उभयनिष्ठ आधार परिपथ में एनपीएन ट्रांजिस्टर किस प्रकार से कार्य करता है इसके विषय में भी हमने विस्तार से अध्ययन किया। इसके साथ साथ हमने उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो परिपथ है उसमें पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधियों के बारे में भी हमने विस्तार से अध्ययन किया। इसमें तीन प्रकार की जो धाराएं होती हैं, धारा आईबी है ना, और धारा आईसी और धारा आईई, इन तीनों के विषय में हमने क्या किया, विस्तार से अध्ययन किया और पाया कि आईई जो धारा होती है वह बराबर होती है आईबी धन आईसी धारा। ठीक इस प्रकार हमने कल के जो कक्षा है क्लास है उसमें हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर की जो क्रियाविधि होती है परिपथ के अनुसार इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया। आज हम इस विभिन्न बिंदुओं के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि ट्रांजिस्टर जो होता है वह प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। ठीक अब इसका जो है ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में हम अनुप्रयोग के अंतर्गत पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग और एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। और आज हम धारा लाभ, प्रतिरोध लाभ, वोल्टेज लाभ व शक्ति लाभ इसके विषय में भी अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो है ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग देखेंगे। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग, सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि प्रवर्धक यानी क्या होता है। प्रवर्धक यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं एम्पलीफायर। ठीक है, प्रवर्धक यानी क्या होता है, एम्पलीफायर है ना, यानी जब हम ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं, जो दुर्बल प्रकार की जो सिग्नल होती है उसको जब हम देते हैं तो वह सिग्नल की क्या कर देता है, उसकी शक्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसको हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर ने क्या कर दिया, सिग्नल की शक्ति को प्रवर्धित कर दिया, बढ़ा दिया है ना। तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है वह किस प्रकार से प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं हमने उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ देखा था, इसमें ये जो क्षेत्र होता है ई होता है ये बी और ये जो क्षेत्र होता है सी होता है। सर्वप्रथम हम पी एन पी ट्रांजिस्टर के विषय में देखें, पहले इसके हम क्या कर लेते हैं, परिभाषा का अध्ययन कर लेते हैं, इसके उपरांत इस विषय में देखेंगे। तो प्रवर्धक किसे कहते हैं, प्रवर्धक जब प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती
वोल्टेज, है ना। जब प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की शक्ति को, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की शक्ति को बढ़ाना, बढ़ाने की क्रिया क्रिया क्या कहलाता है? प्रवर्धन कहलाता है। यहाँ पे अपन पहले प्रवर्धन देख लेते हैं। प्रवर्धन करना मतलब क्या होता है? जब प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की शक्ति को बढ़ाने की क्रिया होता है, यानी हम क्या करते हैं वहाँ? प्रवर्धन की क्रिया करते हैं, है ना। अब जो प्रवर्धक होता है वो क्या होता है? प्रवर्धक ऐसा उपकरण या ऐसी युक्ति या इसी को कहते हैं ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की शक्ति को बढ़ा दे। या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की शक्ति को बढ़ा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रवर्धक कहते हैं, ठीक है। प्रवर्धक यानी ऐसी युक्ति या ऐसा उपकरण जो क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज की शक्ति को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रवर्धक या एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर का प्रयोग हम दैनिक जीवनों में करते हैं सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जब कार्यक्रम होता है तब आप के यहाँ आवाज़ को दूर तक ले जाने के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, है ना। तो जैसे हमको अपना आवाज़ दूर तक ले जाना है, दूर तक पहुँचाना है, तो हम जो है, क्योंकि हमारा जो आवाज़ है वो कुछ ही दूरी तक जा सकता है, लेकिन वहाँ पे एम्पलीफायर का जब उपयोग करते हैं तो वह जो सिग्नल होता है या जो हमारी आवाज़ होती है वह काफ़ी दूर तक जा सकती है। इस प्रकार यह जो एम्पलीफायर है इसका हमारा दैनिक जीवन में उपयोग होता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, यहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। किनका? एम्पलीफायर का। क्यों किया जाता है? ताकि जो सिग्नल इनपुट में जा रहा है, निवेश हो रहा है, वो दुर्बल है, उसकी शक्ति को क्या कर दें? प्रवर्धित कर दें, उसकी शक्ति को बढ़ा दें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग। पहला PNP ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग। ठीक है, इसका जो डायग्राम है या जो पिक्चर है वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक। ये वाला भाग आपको पता है, ये बेस होता है ना, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ, ठीक। इसमें ये जो भाग होता है कलेक्टर को दिखाता है, और ये भाग जो होता है किसको प्रदर्शित करता है? एमीटर को। यहाँ से एक सिरा इस प्रकार से निकलता है, ये दूसरा, ये इस प्रकार से बेस का सिरा, और ऐसे जो है यहाँ पे बैटरी जो है जुड़ा होता है। तो ये जो भाग है, पीएनपी की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? पी, ये वाला भाग एन, और ये वाला भाग पी। पी मतलब प्लस,
ठीक है। बैटरी का जो ये जो सिरा है, ये जो भाग है, इसको भी से दिखाते हैं, भी बी ई, भी बी ई। और ये कैसे जुड़ा होता है? ये हमेशा अग्र में जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, चूंकि ये प्लस है तो अग्र अभिनति में ये प्लस, इधर माइनस, ठीक है। ये प्लस, तो यहाँ पे क्या किए, प्लस से जोड़ दिए। इसी प्रकार चूंकि हमको क्या करना है, एक सिग्नल देना है ट्रांजिस्टर में जो वीक होता है, और उसको क्या कर दिया जाए, उसको क्या कर देता है ये ट्रांजिस्टर, प्रवर्धित कर देता है, बढ़ा देता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक निवेशी इनपुट यहाँ पे दिया जाता है। ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे निवेश कराएंगे, और फिर ये आउटपुट में हमको बढ़ा हुआ इसका जो है, ये प्रवर्धित जो रूप है वो मिलता है। एम्पलीफायर मतलब एम्पलीट्यूड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इस भाग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। और वो उसकी, जब ये बढ़ जाता है, ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो वो कैसे हो जाता है, प्रवर्धित हो जाता है, उसकी शक्ति कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपना प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा या क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जो जिसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे निवेश कराया जाता है, जिसको हमको क्या करना है, यहाँ पे निवेश कराना है। अब इसको हमको क्या करना है, आउटपुट में लेना है, इसके जो जो ये जो है, इसमें जाने के बाद ये प्रवर्धित होगा, तो उसको हमको कहाँ पे लेना है, आउटपुट में लेना है। तो आउटपुट में लेने के लिए यहाँ पर हम एक लोड, जिसको कहते हैं आर, लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये जो होगा निर्गत, ये लोड में हम प्राप्त करेंगे निर्गत सिग्नल, ठीक है। जो भी हमको सिग्नल प्राप्त होगा उसे हम निर्गत सिग्नल कहते हैं। अब आपको मालूम है कि यहाँ जो बैटरी का सिरा होता है वो किस तरीके से जुड़ा होता है, वी, और ये कलेक्टर और एमिटर के बीच जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको वी ई सी कहते हैं, है ना। और कैसे जुड़ा होता है, ये पश्च अभिनति में जुड़ा होता है, हमने देख लिया है इसकी क्रिया, ये पश्च अभिनति में होता है। तो पी प्लस है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, और ये प्लस, ठीक है। बैटरी को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो ये जो सिरा होता है, ये प्लस जो है माइनस से जुड़ जाता है, यानी रिवर्स, उल्टा पश्च अभिनति में होता है ना। तो इस प्रकार इसको जोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम जो ये निवेशी जो सिग्नल यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ अंदर जाएगा, ये इसको लोड में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, निर्गत सिग्नल प्राप्त कर लेंगे, ठीक। अब जो है इसकी क्रियाविधि के बारे में देखें, तो यदि इसमें आईसी धारा प्रवाहित होती है, आईसी धारा यदि प्रवाहित होती है, ठीक है, तो आउटपुट जो निर्गत सिग्नल का जो आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। आउटपुट जो होता है वीसी, जिसको इस लोड के सिरों में प्राप्त करना चाहते हैं, उसका जो मान होता है वीईसी और आईसी, और बाहर का जो प्रतिरोध, ये लोड जो होता है, इसके मान पर निर्भर करता है, ठीक है। जो वोल्टेज हम, ये हमारा कौन सा वोल्टेज है, निवेशी वोल्टेज है, और यहाँ पे हमको कौन सा वोल्टेज प्राप्त करना है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त करना है। निर्गत वोल्टेज को यदि हम VC से दिखाएं, तो VC इज इक्वल टू होता है VEC माइनस IC इंटू R, VEC माइनस IC इंटू R, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को स्पष्ट होना जरूरी है कि यदि हम IC के मान जो है, VC का मान जो है IC के मान पर कैसे निर्भर करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि IC का मान यदि आपको अधिक प्राप्त होता है, तो VC कैसा होगा, कम, यानी इससे उल्टा रिलेशन है। IC यदि अधिक मिलता है तो VC कैसे मिलेगा,
कम मिलेगा और आईसी कम मिलेगा तो वीसी अधिक मिलेगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, यदि आपका वीईसी का मान 10 है और ऋण आईसी का मान इसका पूरा क्या हो गया 5 हो गया आईसी का मान। ठीक है, तो वीसी कितना मिलेगा, वीसी मिल जाएगा 10 ऋण 5 मतलब 5। ठीक, अब इसी तरीके से इसको मान को बढ़ाते जाइए, आईसी का मान यदि आप 6 कर दें तो वीसी कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 4। इसी तरीके से आप पुनः आईसी के मान को बढ़ा दीजिए, कितना बढ़ाएं 6 से 7 कर दें तो वीसी कितना मिल जाएगा, वीसी मिल जाएगा आपको 10 ऋण 7 मतलब 3। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम किसको बढ़ाते जा रहे हैं, धारा के मान को बढ़ते जा रहा है, आईसी बढ़ेगा तो वीसी क्या होगा कम होगा, या ये कम होते जाएगा तो वीसी कैसे होते जाता है बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे जैसे आईसी का मान बढ़ता है वैसे वैसे वीसी का मान कैसे होने लगता है कम होने लगता है। ठीक है, या आईसी कम होगा तो वीसी बढ़ेगा, विपरीत जो है इनके बीच में संबंध होता है। ठीक, तो जो हमको निर्गत सिग्नल प्राप्त करना है या निर्गत वोल्टेज प्राप्त करना है वो है आपका वीसी। वीसी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ जो बैटरी का जो सिरा जो लगा हुआ बैटरी है, वीईसी माइनस आईसी, ये आईसी धारा और ये लोड जो आर है, इनके जो है गुणनफल है ना, इन इस संबंध के द्वारा दिखाया जाता है कि वीसी इज इक्वल टू वीईसी माइनस आईसी इंटू आर। ठीक, अब इसकी क्रियाविधि देखें, जब इस पर प्रथम अर्धचक्र क्या होता है इनपुट होता है, कौन सा अर्धचक्र, प्रथम अर्धचक्र जब इस पर क्या होता है इनपुट होता है, इस प्रकार से क्लियर है ना, जब यहाँ पे जाता है तो आपको मालूम है कि ये कौन सा भाग है अर्धचक्र का, धन भाग है, और हमारा जो बेस है वो क्या है n है, n है मतलब कौन सा भाग है ऋण भाग। ठीक है, ये धनात्मक अर्धचक्र जो है वो धन है, और हमारा जो बेस है जहाँ पे ये प्रवेश कर रहा है वो कैसा भाग है ऋण भाग। ठीक है, तो धन जब इसके अंदर इनपुट होता है तो धन और ऋण विपरीत क्रिया हो गया। ठीक है, ये धन और ऋण इस अग्र अभिनति की क्रिया को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। ठीक है ना, धन और ऋण क्या कर देता है, अग्र अभिनति की क्रिया को कम कर देता है, जिसके कारण से यहाँ ये जो क्रिया यहाँ पे चलेगी वो भी धीमा हो जाएगा और यहाँ पे जो आईसी धारा मिलेगा उसका मान भी कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखें, जब धन ऋण में जाता है तो ये जो अग्र अभिनति की क्रिया है वो क्रिया विधि क्या हो जाता है धीमा हो जाता है, और जब ये धीमा हो जाएगा तो आईसी धारा का मान भी कैसे मिलेगा कम मिलेगा। जब आईसी धारा कम होता है तो वीसी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा अधिक। जब आईसी कम हो जाता है तो वीसी कैसा हो जाता है अधिक हो जाता है। अब यहाँ पे देखें कि ये बैटरी के किस सिरे से जुड़ा हुआ है, जो वोल्टेज हम वीसी जो प्राप्त कर रहे हैं वो बैटरी के कौन से सिरे से जुड़ा है, ऋण सिरे से, है ना, कौन से सिरे से जुड़ा है ऋण सिरे से जुड़ा है, तो इसी को क्या लिखेंगे अधिक ऋणात्मक। पहले चक्र में हमको क्या प्राप्त हो रहा है अधिक ऋणात्मक, अधिक ऋणात्मक मतलब आउटपुट कैसा मिलेगा, अधिक ऋणात्मक मतलब नीचे की ओर चक्र। ठीक है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार। ठीक, अब आप यहां पे देख पाएंगे कि ये प्रथम अर्धचक्र का एम्पलीट्यूड या ये जो आयाम है ये क्या होता है कम है, और यहां पे क्या है ये अधिक है। ठीक है, और ये धनात्मक था और ये कैसा प्राप्त हुआ हमको ऋणात्मक, यानी इनके बीच में कितने का अंतर हो गया, कितने कोण का अंतर हो गया 180 अंश के कोणों का अंतर हो गया, ये धन ऊपर वाला भाग है और यहाँ पे कौन सा भाग प्राप्त हुआ ऋण वाला। ठीक है, तो इस प्रकार इनके बीच में कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का कोण बनता है, कौन से अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र में। अब द्वितीय अर्धचक्र की बात करें, ठीक है, तो जो द्वितीय अर्धचक्र है ये वाला भाग, ये कैसा है, ये ऋणात्मक वाला सिरा है, ऋणात्मक अर्धचक्र है, ये ऋण सिरा, ये जब ऐसे इनपुट होगा कहाँ पे बेस में, तो ये भी ऋण और ये भी ऋण। ठीक है,
ये अग्र अभिनति की क्रिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। ये भी ऋण है और ये भी ऋण, समान आवेश जो होते हैं इस क्रिया को कैसे कर देते हैं, और अधिक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिया चलेगी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जिससे यहाँ आउटपुट में मिलने वाला धारा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी आईसी धारा भी क्या हो गया सेकंड चक्र में, आईसी धारा कैसा हो गया सेकंड चक्र में, बढ़ गया। आईसी धारा कैसा हो गया, बढ़ गया। आईसी बढ़ जाएगा तो वीसी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है ना, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, कम, ठीक। आईसी के बढ़ने से वीसी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। और चूंकि ये इसके ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको, कम ऋणात्मक। इस सिरे को हमको पढ़ना है, यहाँ जो लिखा है पहली बार हमने पढ़ा अधिक, अधिक के बाद ऋणात्मक क्योंकि ऋण सिरे से जुड़ा है, उसी प्रकार सेकेंड बार हमने पढ़ा कम, चूंकि ऋण से जुड़ा है इसलिए ऋणात्मक, ठीक है। कम ऋणात्मक मतलब क्या होता है, कम ऋणात्मक मतलब धनात्मक, कम ऋणात्मक मतलब धनात्मक। पहले जो हमने देखा था अधिक ऋणात्मक का तात्पर्य क्या होता है, ऋणात्मक चक्र, है ना, ऋणात्मक चक्र, और कम ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाएगा, धनात्मक चक्र, ठीक है। इसलिए अब जो हमको चक्र आउटपुट में प्राप्त होगा वो कैसा होगा, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक। तो यहां पर आप पाएंगे कि ये जो ऋण चक्र है, ऋणात्मक अर्ध चक्र है, ये यहाँ पे हमको कैसा प्राप्त होता है, ऊपर की ओर, और इसका जो एम्पलीट्यूड है उसका जो आयाम है वो कैसे मिलेगा, बढ़कर मिलेगा, और इनके मध्य 180 का एंगल बनता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वह प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर में अभी इस बात को देखा कि किस प्रकार से इसमें कार्यविधि होती है ना, कि प्रथम अर्धचक्र जैसे ही इनपुट होता है इसका धन चक्र जब जाता है तो धन और ऋण विपरीत होने के कारण से इसकी क्रियाविधि धीमी हो जाती है, और धीमी होने के कारण से आईसी का मान भी कम मिलता है, और कम मिलने से वीसी का मान कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, अधिक मिलता है, अधिक। और चूंकि इसके बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको क्या कहते हैं, अधिक ऋणात्मक। अधिक ऋणात्मक से तात्पर्य है ऋणात्मक चक्र, ठीक। तो इसलिए हमको ये जो चक्र है वो क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक। उसी तरीके से दूसरा जो है, जब ऋणात्मक अर्धचक्र इसमें प्रवेश करता है तो ये ऋण और ये ऋण के कारण से अग्र अभिनति की क्रिया बढ़ जाती है, और ये क्रिया बढ़ जाएगी तो आईसी धारा का मान भी हमको अधिक मिलेगा। आईसी यदि अधिक होता है तो वीसी का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और ये ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है इसलिए कम ऋणात्मक, कम ऋणात्मक मतलब धनात्मक चक्र हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें हम देखें कि पहले वाला जो चक्र है वो धनात्मक है तो यहाँ पर क्या मिलता है हमको, ऋणात्मक मिलता है, है ना, और ऋणात्मक जब चक्र यहाँ प्रवेश करता है तो क्या मिलता है, धनात्मक। इस प्रकार इनके जो बीच में कोण बनता है वो 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है। और यहाँ स्पष्ट दिख रहा है आपको कि ये जो है इसके आयाम जो होते हैं कम होते हैं, यानी ये वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, और ये जब ट्रांजिस्टर के अंदर जाता है तो उसको क्या कर देता है, सिग्नल को प्रवर्धित कर देता है, बढ़ा देता है, है ना। तो ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग, कि ट्रांजिस्टर जो है किस तरीके से एक दुर्बल सिग्नल को क्या कर देता है, प्रवर्धित कर देता है, उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। अब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को इसमें देखेंगे, ठीक है। एनपीएन, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में
रूप में अनुप्रयोग। ठीक है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग। तो इसके लिए पहले हम क्या करें, इसी प्रकार ग्राफ बना लेते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में। ये भाग बेस, ये भाग कलेक्टर और ये भाग एमिटर, ये इसके सिरे इस तरीके से। इसे हम ले लेते हैं एन पी एन, एन पी एन। इसी प्रकार इसमें क्योंकि हमको आउटपुट प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोड लगा देते हैं, प्रतिरोध, यहाँ पे लोड लगा दिए। प्रतिरोध जहाँ R है और ये बैटरी का ये दूसरा सिरा है ना, और इस लोड में ही हमको क्या करना है, आउटपुट प्राप्त करना है, निर्गत सिग्नल प्राप्त करना है। और यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट देते हैं, जो हमारे पास प्रत्यावर्ती वोल्टेज या जो धारा होता है उनका क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनपुट कराते हैं। ये जो है बैटरी का सिरा चूंकि बी और ई के बीच में है, इसलिए इसको बी बी ई से दिखाते हैं। और ये जो है उत्सर्जक वाला जो भाग है एन है, यानी कि ऋणात्मक है, इसलिए इसको कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि हमको इसको अग्र अभिनति में रखना है, इसलिए सीधा ऋण है तो किसे जोड़ते हैं, ऋण से, है ना, ऋण है तो ऋण से। अब ये वाला जो भाग होता है इसको हमें पश्च अभिनति में रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो है n, n मतलब ऋण, उसको उल्टा जोड़ देंगे, ऋण को किसे जोड़ देंगे, धन से। ऋण को किसे जोड़ देते हैं, धन से। इस प्रकार से इसे जोड़ देते हैं। और आउटपुट जो होगा उसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये जो लोड लगा हुआ है यहाँ पे हम आउटपुट को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रथम अर्धचक्र होता है, जैसे ही यहाँ पे इनपुट होता है, अंदर जाता है यहाँ पे, तो आप बेस में ये क्या करता है, प्रथम अर्धचक्र जब जाता है, बेस आपका किस में, किससे बना हुआ है, पी से, पी मतलब प्लस, ये वाला भाग किससे बना है, पी से, स्पष्ट है ना, पी मतलब प्लस। ठीक, तो पहला प्रथम अर्धचक्र जैसे ही यहाँ जाता है, यानी बेस में जाता है प्रथम अर्धचक्र, तो ये धन और ये क्या हो गया, धन, यानी इसकी क्रियाविधि को कैसे कर दिया, अग्र अभिनति क्रियाविधि को बढ़ा दिया। ठीक है, प्लस प्लस कैसे करता है, अग्र अभिनति को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये जो अग्र अभिनति जब बढ़ जाता है, तो यहाँ की जो क्रियाविधि होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद यहाँ से जो धारा हमको प्राप्त होता है आईसी धारा, उसका भी मान बढ़ जाता है। ठीक है, हम आउटपुट में क्या प्राप्त करने वाले हैं, निर्गत वोल्टेज वी सी। इसका मान जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये वाली बैटरी भी जो कि किसके मध्य लगा है, वी सी ई, है ना, या वी ई सी, तो वी सी ई माइनस आई सी इंटू आर, जो हमने पी एन पी में देखा है, सेम वही चीज़ है ना। तो जो आउटपुट वोल्टेज हम प्राप्त करने वाले हैं उसका मान वी सी इज इक्वल टू वी सी ई माइनस आई सी इंटू आर होता है। अभी हमने देखा कि जब धनात्मक अर्धचक्र बेस में जाता है, तो चूंकि बेस भी धन है, ये क्रिया जो होता है अग्र अभिनति की क्रिया बढ़ जाता है, जिससे आईसी धारा जो है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। आईसी धारा का जब मान अधिक हो जाता है, तो
वीसी क्या होगा बताइए, कम, वेरी गुड, है ना, वीसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो वीसी का मान कम मिला, अब ये जो है बैटरी के, ये जो लोड है वो बैटरी के कौन से सिरे से जुड़ा है, धन सिरे से जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे कम धनात्मक। कम धनात्मक का तात्पर्य क्या होता है, ऋणात्मक चक्र, कौन सा चक्र प्राप्त होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक चक्र। ठीक है, कम धनात्मक से तात्पर्य क्या होता है, ऋणात्मक चक्र, यानी जब हम धन अर्धचक्र दे रहे हैं तो हमको कौन सा चक्र प्राप्त हो रहा है, यहाँ आउटपुट में ऋणात्मक अर्धचक्र हमको प्राप्त हो रहा है, जिसका आयाम कैसा है, निवेशी सिग्नल की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये धन अर्धचक्र है और वहाँ पे हमको ऋण अर्धचक्र प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि इनके बीच बनने वाला कोण कैसा है, 180 अंश का है। ठीक है, इसी प्रकार जब ऋणात्मक अर्धचक्र इसमें प्रवेश करता है, कहाँ पे, बेस में, ठीक है, दूसरा जो है ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करें, इसकी चक्र, इस चक्र की बात करें, तो ये जब यहाँ पे जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ऋण और ये जो है धन, ठीक है, ऋण और धन विपरीत है ना, इसकी क्रिया को कैसे कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, ये क्रिया जब यहाँ पे धीमा हो जाता है तो आईसी धारा का मान भी कैसा मिलता है हमको, कम मिलता है, और जब ये कम मिलता है तो वीसी कैसा हो जाता है, वीसी अधिक हो जाता है। ठीक है, तो दूसरे भाग में देखते हैं कि वीसी कैसा हो गया, अधिक हो गया, जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलने वाला है वो कैसा हो गया, अधिक हो गया, और चूंकि ये बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अधिक धनात्मक, अधिक धनात्मक मतलब कौन सा चक्र, धनात्मक चक्र, है ना। तो इस तरीके से जो है क्या मिलेगा हमको, धनात्मक चक्र जो है प्राप्त होगा। ठीक है ना, और इसको कैसे दिखा सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीय अर्धचक्र जो हमने क्या लिया था, ऋणात्मक लिया था, ऋणात्मक जब जाता है ना, तो हमको कौन सा मिलता है, धनात्मक अर्ध चक्र प्राप्त होता है, इस प्रकार इनके बीच बनने वाला कोण 180 का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये क्या कर देता है, इस सिग्नल को की शक्ति को क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, यह क्रिया प्रत्येक चक्र में चलेगा और हमको आउटपुट में बढ़ी हुई जो शक्ति वाला सिग्नल है वो हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार ये जो है ट्रांजिस्टर वो किसके रूप में काम करता है, प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, तो इन उपकरणों में जो है एम्पलीफायर जो है लगा होता है, जो सिग्नल बाहर से, जैसे हम मोबाइल में बात करते हैं तो जो सिग्नल हमारे मोबाइल में आ रहा होता है वो सिग्नल वीक हो जाता है काफ़ी दूर से आने के कारण से, तो चूंकि उसमें एम्पलीफायर लगा होता है वो उसको क्या कर देता है, प्रवर्धित कर देता है, उस सिग्नल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब इसके बाद हम जो है धारा लाभ, प्रतिरोध लाभ, इसके बारे में देखते हैं ना। सबसे पहले धारा लाभ क्या होता है, ठीक है, धारा लाभ निर्गत धारा में परिवर्तन व निवेशी धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। इसको बीटा से दिखाया जाता है,
किसे दिखाया जाता है? बीटा से। तो धारा लाभ निर्गत धारा में परिवर्तन व निवेशी धारा में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा लाभ कहते हैं। तो धारा लाभ बराबर क्या हो जाएगा? धारा लाभ जिसको बीटा से दिखाया जाता है बराबर निर्गत धारा में परिवर्तन बटा निवेशी धारा में परिवर्तन। ठीक है, कलेक्टर जो धारा है वो निर्गत धारा डेल आई सी है ना, और निवेशी धारा जो है डेल आई बी बेस धारा। ठीक, नियत निर्गत वोल्टेज पर, नियत निर्गत वोल्टेज, नियत निर्गत वोल्टेज वीसी। ठीक है, वीसी यदि नियत है तो उस समय में निर्गत धारा में परिवर्तन बटा निवेशी धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ, जिसको हम क्या कहते हैं? बीटा से दिखाया जाता है। डेल जहाँ पे लिखा है ये परिवर्तन को शो करता है। ठीक है, परिवर्तन को दिखाता है डेल। तो जो निर्गत धारा यदि आई सी है और निवेशी धारा आई बी है, तो डेल आई सी और डेल आई बी के जो मान है, उसका जो अनुपात है, उसको क्या कहते हैं? धारा लाभ कहते हैं, जिसको हम बीटा से दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वह है प्रतिरोध लाभ। ठीक, प्रतिरोध लाभ किसको कहते हैं? निर्गत प्रतिरोध व निवेशी प्रतिरोध के अनुपात को प्रतिरोध लाभ कहते हैं। तो प्रतिरोध लाभ क्या हो जाएगा? प्रतिरोध लाभ बराबर निर्गत प्रतिरोध है ना, निर्गत प्रतिरोध बटा निवेशी प्रतिरोध। निर्गत प्रतिरोध को किससे दिखाया जाए? आर आउटपुट। तो ये आर आउट अपॉन क्या हो जाएगा? आर इन। आर आउट अपॉन आर इन, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध लाभ। ठीक है, ये धारा लाभ हो गया और ये प्रतिरोध लाभ। ठीक, इसी प्रकार तीसरा है, तीसरा बिंदु है वोल्टेज लाभ। वोल्टेज लाभ निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन, निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन व निवेशी वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात अनुपात को निर्गत वोल्टेज लाभ है ना, अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं। ठीक, इसको कैसे दिखाएं? इसको दिखाते हैं ए वी से। तो ए वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन बटा निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन। ठीक है, अब जो निर्गत वोल्टेज, निर्गत वोल्टेज क्या होता है? डेल वी सी है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए वी
इज इक्वल टू हो जाएगा निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन डेल वी सी अपॉन डेल निवेशी वोल्टेज क्या हो जाएगा वी बी, ठीक है, डेल वी सी अपॉन डेल वी बी। ठीक, अब जो डेल वी और डेल वी सी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, इनका मान जो है अपन ज्ञात कर लेते हैं। डेल वी सी का मान क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। यदि निर्गत धारा आई सी है और निर्गत प्रतिरोध R आउट है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, डेल आई सी इंटू इसी को क्या लिख सकते हैं R आउट। ठीक है, यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर से क्या लिख सकते हैं VC डेल वी सी इज इक्वल टू डेल आई सी इंटू आर आउट। इसी प्रकार ये जो डेल वी बी दिख रहा है ना, इसको कैसे निकाल सकते हैं, डेल वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल आई बी इंटू आर इन, यदि आर जो है आर इन जो है निवेशी प्रतिरोध है। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिलेगा, ए वी इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें वो जो मान निकाले हैं, डेल आई सी इंटू आर आउट और डेल आई बी इंटू आर इन। तो ये जो मान होता है ये वाला मान, इसको हम क्या कहते हैं, धारा लाभ, और किससे दिखाते हैं, बीटा से, और आर आउट अपॉन आर इन को किस क्या कहते हैं, प्रतिरोध लाभ। तो इस तरीके से जो ए वी होता है या वोल्टेज जो लाभ होता है वो प्रतिरोध और जो धारा लाभ और प्रतिरोध लाभ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से चौथा जो बिंदु है वो क्या है, शक्ति लाभ है ना। चौथा जो बिंदु है वो है शक्ति लाभ। ठीक, शक्ति लाभ किसको कहते हैं, निर्गत शक्ति में परिवर्तन व निवेशी शक्ति में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, शक्ति लाभ कहते हैं। ठीक है, यानी शक्ति लाभ बराबर क्या हो जाएगा, निर्गत शक्ति में परिवर्तन, निर्गत शक्ति में परिवर्तन बटा निवेशी शक्ति में परिवर्तन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो निर्गत शक्ति में परिवर्तन होता है वो होता है डेल आई सी का स्क्वायर हो जाएगा है ना, और आर आउट बटा निवेशी शक्ति में परिवर्तन होता है डेल आई बी का स्क्वायर इंटू आर इन। ठीक, तो यहाँ पे जो ये मान मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है, ये जो मान हमको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं डेल आई सी अपॉन डेल आई बी क्या होता है, बीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये बीटा का स्क्वायर इंटू आर आउट अपॉन आर इन, मतलब प्रतिरोध लाभ। तो जो शक्ति लाभ होता है वो धारा लाभ का वर्ग और प्रतिरोध लाभ के गुणनफल के
बराबर होता है। इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध लाभ, धारा लाभ, वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ के बारे में उसका व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो आज हमने जो है इन विभिन्न बिंदुओं के विषय में हमने चर्चा किया, ठीक है। कल हम इसके आने वाले और जो है उसके विधा में बारे में, उसकी विधा के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो ट्रांजिस्टर जो है आज हमने देखा प्रवर्धक के रूप में काम करता है, कल हम उसके दोलित्र के रूप में कार्यों को देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। बच्चों हमने पीएनपी और एनपीएन का संकेत देखा था, है ना। कैसे बना था ये, इस प्रकार से बना था इसकी बनावट। ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है बेस होता है ना। ये एमिटर होता है ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है वो बेस होता है, और ये वाला भाग क्या होता है, कलेक्टर होता है। किसमें, पीएनपी, ठीक है। तो यहाँ पे जो संकेत बनता है, इस संकेत में क्या होता है, पीएनपी में जो संकेत चिन्ह लगता है ना, वो क्या होता है, अंदर की ओर आता है, इसे बी की ओर आता है, ठीक। इसी तरीके से एनपीएन में हमने देखा था कि ये संकेत इस तरीके से बनता है, बीच में बेस, ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों में संकेत में अंतर जो होता है, पीएनपी में जो संकेत है ना वो क्या होता है, ई से बी की ओर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, बी से ई की ओर बाहर निकलते हुए, बी से ई की ओर होता है, किसमें, एनपीएन में। तो आगे जो ट्रांजिस्टर की कार्यविधि है या ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक है जो भी है, उसमें क्या होगा, पीएनपी में इस प्रकार संकेत प्रयोग होगा और एनपीएन में जो है इस प्रकार का संकेत होगा। यदि कहीं संकेत छूटा है तो उसे हम सुधार लें।